नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, एक बार सपा मुखिया मुलायम सिंह ने ये कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुझे गलती वाला बयान आज क्यों याद आया, उनका कथन आज क्यों याद आया? आज ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के बयान पे विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा भी जा सकता है। और नेगेटिविटी हमारे दिमाग में घुस चुकी है, इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ये उस प्रदेश की मुख्यमंत्री कह रही हैं जहां काली की सबसे ज़्यादा पूजा होती है, काली के सबसे ज़्यादा पूजक वहाँ हैं। और ये बयान उनका तब आता है जब पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद फायर ब्रिगेड नेता महुआ मोइत्रा का मां काली को लेकर के दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे देश में जब सियासी पारा एकदम अपने हाइट पर है। मजेदार ये भी है कि ममता गलती मान रही है और महुआ ये कह रही है कि तुम अपनी एफआईआर दर्ज करा लो, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी। मोइत्रा एक तरफ लगातार बयानबाजी कर रही है, वहीं काली को लेकर के लीना ने अब अपनी जान की फिक्र का जिक्र किया है, जबकि उन्होंने मां काली के विवादित पोस्टर के बाद एक और तस्वीर साझा की है सोशल मीडिया पे। उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताती हूँ कि उस तस्वीर में क्या है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो क्या क्या कर रही हैं अभी, और उनके साथ कितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में इस चीज की भर्त्सना हो रही है। आप पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आप ये समझ पाएंगे कि इस पोस्टर के पीछे जो विवाद गहराता चला जा रहा है वो क्या है और इसकी कहानी क्या है। अच्छा, देश में ये घृणित सच्चाई बनती जा रही है कि यदि आपको सेकुलर दिखना है तो आप हिंदुओं को गाली दो, यदि आपको लिबरल दिखना है तो आप हिंदुओं की आस्था का अपमान करो। हिंदू विरोधी मानसिकता की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के बेहद आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर के ये विवाद जो है कहीं अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू देवी देवताओं पे कटाक्ष किए जा रहे हैं, विवादित पोस्टर बनाए जा रहे हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं। अब लीना ने भगवान शिव और माँ पार्वती का किरदार निभाने वाले दो लोगों का फोटो डाला है जिसमें वो सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं, धुआं उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। काली की मेकर भड़काऊ ट्वीट करके लोगों को उकसाने की कोशिश कर रही है। उधर भगवान शिव का सिगरेट जलाते हुए एक बैनर भी सामने आ गया है और ये मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है। इसी बीच देखिए घटनाएं किस तरीके से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एंगल पे हो रही हैं। कनाडा में आगा खान म्यूजियम ने फिल्म का विवादित पोस्टर हटाते हुए हिंदू समुदाय से माफी मांगी है। वो तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन लीना क्या कर रही है? लीना का लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान उसकी तरफ से जारी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवाद को और भड़काने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मीडिया अकाउंट पर एक और विवादित तस्वीर उन्होंने शेयर कर दी है। लीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भगवान शिव और माँ पार्वती का रोल निभाने वाले कलाकारों की एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में भगवान शिव और माँ पार्वती का किरदार निभाने वाले दोनों अभिनेता सिगरेट पी रहे हैं। वहीं निर्माता ने लीना ने फोटो पोस्ट करते हुए ये लिखा है साथ में, कहीं और। देश के कई राज्यों में लोग लीना मन्नी में कलाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की और उनको तत्काल इमीडिएटली अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। इस समय 3 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अच्छा देखिए, लीना के इस ट्वीट के बाद राजनेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं वो। उनका कहना है कि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात नहीं है, ये तो जानबूझकर उकसावे का मामला है। हिंदुओं को गाली देना, धर्मनिरपेक्षता, हिंदू आस्था का अपमान,
उदारवाद। अलीना की हिम्मत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस टीएमसी उसके साथ सपोर्ट में खड़ी है। अभी तक टीएमसी ने महुआ मोइत्रा पे कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ इसके कि ममता ने एक जो है बयान जारी किया है गलती वाला, जो मैंने आपको शुरू में बताया। काली फिल्म को लेकर के तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ कानपुर समेत यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल के कई शहरों में FIR दर्ज हो रही है और बिगड़े माहौल में सियासी घमासान लगातार जारी है और मोइत्रा की गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। काली फिल्म को लेकर के विवाद इतना ज्यादा गहराता जा रहा है कि टीएमसी जो है पीछे आने का नाम नहीं ले रही है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, तो भाजपा और जो दूसरे हिंदू संगठन है उनका लगातार इस पे विरोध जारी है। इसी बीच महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट करके इस आग को हवा देने का काम कर दिया है। उसने कहा है कि आप FIR दर्ज करा लो, मैं कोर्ट में मिलूंगी, और साथ में उसने ये भी जोड़ा है कि मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां भाजपा की ब्राह्मणवादी सोच हावी हो और सभी धर्म आसपास घूमते रहें, मैं मरते दम तक अपने बयान पे कायम रहूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोइत्रा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि काली के कई रूप हैं, मेरे लिए काली का मतलब मांस और शराब स्वीकारने वाली देवी है। उन्होंने ये भी कहा कि आप पे निर्भर करता है कि आप अपने भगवान को कैसे देखते हैं। अगर आप भूटान और सिक्किम में जाएं तो वहाँ पूजा में भगवान को शराब चढ़ाई जाती है, वहीं आप उत्तर प्रदेश के किसी मंदिर में जाएं तो आपको प्रसाद दिया जाता है, अगर वहाँ शराब दे दी जाए तो आपकी भावना आहत होगी। मेरे लिए काली देवी मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी है। काली के कई रूप हैं, बार बार वो अपनी इसी बयानबाजी पे एडमंट है। अच्छा, अभी जो फिल्म मेकर है वो और महुआ, इन दोनों के साथ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा पे हो रहे हमले मुझे हैरान कर रहे हैं। ये हमले उस वजह से हो रहे हैं जो हर हिंदू जानता है। हिंदू जानते हैं कि देश में हर जगह पूजा करने का तरीका अलग है, देवी पे क्या चढ़ाया था कोई, ये उसकी अपनी भक्ति पे डिपेंड करता है। और उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, अगर हम सार्वजनिक मंच पे किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो किसी ना किसी की भावना हाथ होगी। हालांकि ये तय है कि महुआ ने किसी को अपमानित करने के लिए ऐसा नहीं कहा, ये वो उसकी तरफदारी कर रहे हैं शशि थरूर। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने वाली लीना की खबर दिग्गज कलाकार अनुपम खेर ने भी अपने तरीके से ली है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और वो अपने बचपन को याद करते हैं। वो कहते हैं कि एक शिमला में बहुत ही फेमस मंदिर है, बच्चे अक्सर अपनी बातों को भूलते नहीं है। द सेम थिंग इज विद दिस अनुपम खेर, उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है जब देश में इतना शोर मचा हुआ है। तो वो कहते हैं कि मंदिर को कालीवाड़ी कहते थे हम, और बचपन में कई बार वो वहाँ जाते थे और बूंदी का प्रसाद उन्हें मिलता था, चरनामत मिलता था उन्हें, और बाहर एक फकीर टाइप बैठा रहता था जो ये दोहराता रहता था कि जय माँ कलकत्ते वाली, तेरा श्राप न जाए खाली। दरअसल इसमें वो लीना बिश जो है तंज कस रहे हैं कि तेरा श्राप न जाए खाली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकृत मानसिकता करार देते हुए ट्विटर को पत्र लिखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मनी मैकलाई जैसी विकृत मानसिकता वाले लोगों की पोस्ट को रोकने के लिए अपने स्तर से भी प्रयास करने होंगे और उनकी स्कैनिंग करनी होगी ताकि धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को आहत होने से बचाया जाए और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ना बन जाए जहां पर आस्था पे अटैक हो। दूसरी ओर काली कंट्रोवर्सी के बीच कन्याकुमारी जिले के थिंगल नगर के पास अरब्धपुरम में आस्था का जबरदस्त अपमान हुआ है। एक बैनर में
एक कपल की फोटो के साथ बधाई देते हुए दोस्तों की फोटो है, जबकि दूसरे बैनर में भगवान शिव को सिगरेट जलाते हुए दिखाया गया है। पहले बैनर में दूल्हा भी मजाक कर रहा है और दूल्हे के दोस्त जो हैं वो भी मजाक कर रहे हैं। काफी भद्दे कमेंट लिखे हुए हैं जिनको मैं आपसे शेयर भी नहीं करना चाहती। हालांकि सोशल मीडिया पे बैनर की तस्वीरें वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है, और इसी बीच भोपाल की पुलिस ने काली फिल्म की डायरेक्टर लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अब आप ही बताइए, जो लोग लीना को सही ठहरा रहे हैं उन लोगों का क्या किया जाए? देखिए, जो कहते हैं ना, जो गलत काम करता है उसके साथ जो उसको सपोर्ट करते हैं वो भी उतने ही गुनहगार होते हैं। शशि थरूर हैं, मोहिया हैं, ये खुल करके लीना के सपोर्ट में आ गए हैं और हर दिन कोई ना कोई नया पोस्टर तस्वीर शेयर कर रहे हैं और बाकायदा धमकाने वाले अंदाज में कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। दरअसल लीना को भी ये लग रहा है कि कांग्रेस उसके साथ है, लेफ्टिस्ट उसके साथ है, टीएमसी उसके साथ है, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक तरह से ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी मैं किसी और नई कहानी के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।